स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम को लेकर दिया विवादित बयान। मच्छर और मक्खी से कर दिया आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना। स्वामी बोले, देश बाबा के बयान से नहीं संविधान से चलेगा। मौजूदा समय के सबसे चर्चित और विवादित बाबा बागेश्वर धाम वाले आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इन दिनों बिहार में खूब बम बम मचाया। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को लेकर बिहार में सियासी उठापटक तो चलती ही रही, लेकिन व्यासपीठ से ही धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का शंखनाद कर पूरे हिंदुस्तान में हलचल मचा दी है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य से धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र अभियान को लेकर सवाल पूछा, तो स्वामी मौर्य ने धीरेन्द्र शास्त्री को करारा जवाब दे डाला। पहले से ही रामचरितमानस और बाबा बागेश्वर धाम पर सवाल उठाकर विवादों में आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना मच्छर मक्खी से कर डाली। स्वामी मौर्य का बयान आपको सुनाए उससे पहले आपको बता दें कि स्वामी मौर्य ने सीधा ऐलान किया कि देश संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं। बिहार में बाबा बागेश्वर धाम और सरकार जो अपने आप को धर्म साथी कहते हैं, साथी जी भी इसका बिल्कुल बजा चुके हैं और लगातार हिंदू राष्ट्र का प्रचार प्रसार शुरू हो गया और आप विरोध कर रहे हैं, क्या होगा? मच्छरों और मक्खियों के भरमराने से बादलों की आवाज नहीं निकल सकती, ना कारखाने में तूती की आवाज, बाबा जैसे एक नहीं हजार लोग इस तरह से बोलेंगे तो देश की जनता उसका संज्ञान नहीं लेगी। देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं चलेगा। जाहिर है कि जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस में संशोधन का मुद्दा उठाकर यूपी के सबसे विवादित नेता बन गए हैं, वहीं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयानों से पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों सबसे कम उम्र के सबसे लोकप्रिय कथावाचक हैं। विपक्ष धीरेन्द्र शास्त्री को पाखंडी बताकर उन्हें भाजपा का चुनावी एजेंट बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।